आप जैसे हो वैसे ही रहा करो, आप जैसे हो वैसे ही रहा करो, क्योंकि ओरिजिनल की कीमत डुप्लीकेट से बहुत ज्यादा होती है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ विविध प्रश्नावली 1 का एल का पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 18 तक बता दिया था, अब मैं आपको पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 19 से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है मैथ का। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ना मत भूलिए। चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, इसमें बोला क्या है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें बोला है यदि एफ सच दैट आर टेंड टू आर तथा जी सच दैट आर टेंड टू आर, दो फलन है। यहाँ पे दो फलन दिया गया, पहला दिया गया एफ सच दैट आर टेंड टू आर, दूसरा दिया गया जी सच दैट आर टेंड टू आर। दो फलन है जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x और जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 से परिभाषित है। तो सिद्ध कीजिए कि इसके अंतर्गत आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले में बोला गया एफ ऑफ जी नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ, और दूसरे में बोला है ब्रैकेट में एफ ऑफ जी ऑफ 2 तथा जी ऑफ 1 के मान बताओ। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ जी और नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों का वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने पर हम देखेंगे मान दोनों का अगर बराबर आ रहा है तो ठीक है, नहीं बराबर आ रहा है तो सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि यही सिद्ध करना कि बराबर नहीं है। बराबर नहीं है, आप हल करोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा बराबर नहीं है, क्यों नहीं यही आपको दिखाना है। ठीक है, तो चलिए हम पहले को हल करते हैं। पहले को हल करने से पहले आप ध्यान दीजिए कि एफ एक्स बराबर क्या दिया उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है 2x और जी ऑफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये दो वैल्यूएं दी गई जिन इन्हीं के सहारे से आपको एफ ऑफ जी निकालना है और जी ऑफ एफ निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम ऑफ को ओ को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, जी एक्स हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है हमेशा आपको ओ को हटाना होता है, जैसे ही आप ओ को हटाएंगे, अगर आप रेगुलर के व्यूअर होंगे, शुरू से इस चैनल पर पढ़ रहे होंगे तो आपको डेली बताता चला आ रहा हूं कि ओ को हटाकर आपको मझला ब्रैकेट लगाना है, उसका जी के तुरंत बाद जो लास्ट में वर्ड आता है उसके तुरंत बाद आपको एक्स ले लेना है, एक फलन अपने से ले लेना है, वो फलन मैं एक्स लेता हूं अपने से। ठीक है, तो एफ मझला ब्रैकेट फिर जी ऑफ एक्स हो गया। तो चलिए अब देखिए जी एक्स की वैल्यू यहां पर आपको रखना हो, क्योंकि जी एक्स बराबर आप क्या दिया दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो रखिए यहां पे एफ, और जी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब ये चेंज हो गया किसमें, एफ एक्स में। तो एफ एक्स देखिए, जब एफ एक्स था तो यहां पे क्या लिखा गया, 2x लिखा गया, लेकिन अब यहां पे एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, अर्थात कहने का मतलब जहां पे एक्स है उसकी जगह पर आपको क्या लिख देना होगा, 2x। ध्यान दीजिएगा जहां पर एक्स है वहां पे लिख देना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो चेंज कर लेते हैं इसको भी। देखिए जब एफ एक्स था तो 2x लिखा गया, तो चलिए अब हम इसको चेंज करेंगे। तो एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो 2 तो रहेगा ही, क्योंकि एफ था तो 2 लगा है तो 2 लगाइए। फिर यहां एक्स था तो एक्स लिखा गया था, लेकिन यहां पर क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे, एक बार सब फिर से ध्यान दो, यहां पर कितना है दोस्तों, जी एक्स की वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यहां पे मैंने लिख दिया जी एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब ये चेंज हो गया एफ एक्स के रूप में, देखिए एफ एक्स बराबर कितना दिया है, 2x। तो यहां पे 2 को हम बाहर रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। अब इसका अंदर आप गुणा कर दो, तो 2 का अंदर गुणा करोगे 2x स्क्वायर और प्लस 2 प्लस 2 का 2 में करोगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो निकल गया किसका, एफ ऑफ जी का मान। अब आप निकालेंगे जी ऑफ एफ का मान, तो जी ऑफ एफ का मान निकालेंगे तो सेम प्रोसेस यहां पर भी होगा। जी को ज्यों का त्यों लिखो, ठीक है, जी को आप ज्यों का त्यों लिखो, ओ को हटाओगे तो यहाँ पे मझला ब्रैकेट लगा दो, बड़ा ब्रैकेट भी आप लगा सकते हो। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स अपने से आप जाता है यहाँ पे, ठीक है, अपने से आपको मान लेना होता है। अब एफ एक्स, तो एफ एक्स कितना दिया है, एफ एक्स दिया है यहाँ पे 2x।
तो यहाँ बचेगा कितना, अब 2x हो गया। तो ये किसमें चेंज हो गया, gx के रूप में। तो जहां पे ये देखे, जब gx था तो x स्क्वायर लिखा गया, अब यहाँ पे g2x है, जहां पे x है वहां पे हम क्या लिख देंगे, 2x लिख देंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखिए, अब gx को जब चेंज करेंगे तो x था तो x स्क्वायर लिखा गया, लेकिन यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2 है तो आप प्लस 2 लिख दो, ठीक है। अब इसका वर्ग करोगे, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, x का वर्ग x स्क्वायर, और 2 जो का त्यो रहेगा। अब देखिए जो मान आया है वो बराबर आया है कि नहीं आया, देखिए ये आपको सिद्ध करना था, f ऑफ g नॉट इक्वल टू g ऑफ f। तो यहाँ पे लिखिए, देखिए f ऑफ g पहले हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे और फिर g ऑफ f को देखेंगे ये बराबर आया है या नहीं आया। देखिए अगर देखा जाए तो f ऑफ g का जो मान आया वो आया 2x स्क्वायर प्लस 4, और अगर g ऑफ f का वैल्यू देखा जाए तो 4x स्क्वायर प्लस 2 आया है, जो कि आपस में बराबर नहीं है। यही प्रूव्ड करना था और ये आपका प्रूव्ड हो गया। अर्थात कहने का मतलब बायां पक्ष आपने सॉल्व किया और दायां पक्ष भी सॉल्व किया, दोनों का वैल्यू बराबर नहीं आया और बराबर नहीं आना भी चाहिए, क्योंकि यही हमें प्रूव्ड करना था, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरे में बोला एफ ऑफ जी टू, पहले किसका वैल्यू ज्ञात करना है, एफ ऑफ जी ऑफ टू का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। चलिए पहले क्या करते हैं, अब 2 को साइड रखिए, क्योंकि बाद में हम 2 का यहाँ पे गुना कर लेंगे, या आप 2 को साथ में लेके चलना चाहते तो लेके चलिए। कैसे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर f है तो f को रखो, ठीक है, चलो साथ में लेके चलते हैं f 2 को। यहाँ पे अब o को हटाओगे तो ब्रैकेट लग जाए, कौन सा, मझला ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट लगेगा तो क्या हो जाएगा, जी 2 है 2 को रखो, अगर यहीं पर 2 नहीं होता तो हम क्या करते, x मान लेते, ठीक है। अब ध्यान दीजिए f जी 2, अब देखिए जी एक्स, जी एक्स के रूप में बदल गया, नहीं बदल गया, सिर्फ चेंज क्या दिख रहा है, यहाँ एक्स था तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 फलन दिया था, लेकिन अब यहाँ पे 2 है तो हम उसके रूप में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रैकेट के अंदर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और प्लस 2 है तो आप 2 लिख देंगे, ठीक है। तो वैल्यू क्या निकलेगा, एफ 2 का स्क्वायर 4, और 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 है, 4 2 6 हो जाएगा। अब ये किसमें चेंज हो गया, एफ एक्स में, तो एफ एक्स की वैल्यू कितना दे रखा है, 2x, तो यहाँ पे हम रखेंगे क्या, 2x, x का वैल्यू कितना है 6, तो 6 दूना 12, ये 12 आंसर निकल जाएगा, किसका निकलेगा, एफ ऑफ जी 2 का। अब इसी प्रकार से आपको निकाल लेना है एफ ऑफ जी ऑफ 1 का वैल्यू, सॉरी जी ऑफ 1 का वैल्यू निकालना है। तो चलिए यहां से आप ऑफ को हटाएंगे, मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा ओ को आपको हटा देना होगा, ओ को हटाने के बाद मझला ब्रैकेट लगा देना होगा, ठीक है। तो यहां पर आप लिखोगे जी, फिर ओ को हटाओगे तो मझला ब्रैकेट लग जाएगा, हो जाएगा जी 1 हो जाएगा, ठीक है, और मझले ब्रैकेट को आप कर दो यहां पर बंद, फिर जी, अब जी 1 अर्थात जी एक्स, तो जी एक्स के रूप में चेंज हो रहा है, एक्स की जगह पर क्या है 1 है, तो यहां पर आप पूरा वैल्यू इतना लिखेंगे, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि जब यहाँ पे x था तो x का स्क्वायर हुआ, लेकिन 1 है तो अब 1 का स्क्वायर करो और प्लस 2 है तो 2 लिखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, एक पर कितना भी बड़ा घात क्यों ना लगा दो, लेकिन उसका वैल्यू 1 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 आएगा तो 1 और प्लस कितना हो जाएगा 2, और 2 1 कितना हो जाएगा 3, अर्थात ये क्या हो गया जी 3 अर्थात जी एक्स। अब देखिए दोस्तों, ये जी एक्स में फिर से चेंज हो गया, जी ऑफ जी था फिर जी एक्स में चेंज हो गया, तो जी एक्स की वैल्यू यहाँ पे आप रखे, तो देखिए जब जी एक्स था तो एक्स स्क्वायर हुआ, लेकिन जी 3 है तो कहने का मतलब अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, जब एक्स था तो एक्स का स्क्वायर हुआ, लेकिन जी 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर और प्लस कितना है 2 है, 2 को ज्यों का त्यों लिखो, 3 का वर्ग करो कितना आएगा 9 आएगा, और यहाँ पे 2 है तो 9 2 कितना हो जाएगा 11, तो इसका आंसर कितना निकल जाएगा दोस्तों, 11 निकल जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोटबुक में लिख लो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, और इससे पहले दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करिए, ताकि वो भी घर बैठे फ्री में पूरा कोर्स पा सके। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, इसमें बोल रखा है
ए स्टार बी बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्रकार से परिभाषित एन में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए। अब निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, चार ऑप्शन दिए गए, ठीक है, और चारों ऑप्शनों को अगर आप पढ़ेंगे तो बोला स्टार साहचर तथा क्रम विनिमय दोनों है, बोला बी में स्टार क्रम विनिमय है किंतु साहचर नहीं है, तीसरे ऑप्शन बोल रहा है स्टार साहचर है किंतु क्रम विनिमय नहीं है, और डी वाले ऑप्शन में बोल रहा है ना तो स्टार जो है ना तो क्रम विनिमय है और ना ही साहचर है। तो देखा जाए पूरे ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में सिर्फ साहचर और क्रम विनिमय की बात किया है, ठीक है, एक बार पॉजिटिव में बात किया है, एक बार निगेटिव में बात किया है। तो ऐसा काम करिए, पहले आप साहचर निकाल लीजिए और दूसरी बात आप क्रम विनिमय निकाल लीजिए। इन दोनों को निकालने के बाद अब ऑप्शन को मिलाइएगा कि क्रम विनिमय है कि साहचर है या नहीं है, उसके बाद हम ऑप्शन पे आएंगे, ठीक है। पहले आप यहाँ पे लिखेंगे हल, हल लिख लीजिए। हल लिखने के बाद देखिए किस रूप में दिया गया है, दिया गया क्वेश्चन ए स्टार बी बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जब ए स्टार बी हट रहा है तो ये मान जो है क्यूब में चेंज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर स्टार हट रहा है तो ए पर क्यूब लग जा रहा है, प्लस साथ में प्लस लग जा रहा है और बाद वाले पर भी क्यूब लग जा रहा है, ध्यान दीजिए। इसी आधार पर आपको चेंज करना है, फिर समझिए। देखिए यहाँ पर जैसे स्टार को आप हटा, यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन परिभाषित किया गया है, जैसे स्टार को यहाँ से हटा रहा है तो पहले वाले पर भी क्यूब लग जा रहा है और दूसरे वाले पद पर भी क्यूब लग जा रहा है, साथ में प्लस लग जा रहा है। समझ में आया ना? अभी नहीं समझ में आया तो आगे देखिए, समझिए क्या करना है। आपको सबसे पहले निकालना है क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय यहाँ पर आपको समझ में आया, दिया है ए स्टार बी बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और इसी तरीके अगर हम निकाले बी स्टार ए तो क्या निकलेगा, बी क्यूब प्लस ए क्यूब। जैसे ही स्टार यहाँ से हटेगा तो पहले वाले पर भी क्यूब लग जाएगा, दूसरे पद पर भी क्यूब लग जाएगा, साथ में बीच में प्लस लग जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका देखिए क्रम विनिमय है। तो अतः आप लिख सकते हैं, अतः जो संक्रिया है स्टार संक्रिया वह क्या है, कैसा है, क्रम विनिमय है। तो आप लिखिए क्रम विनिमय है, ठीक है। आपसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया, इसमें चार ऑप्शन दिया गया, इसमें तो देखा जा रहा है कि सिर्फ दो ही की बात किया जा रहा है, पहला तो क्रम विनिमय, दूसरा साहचर, ठीक है। तो अब क्रम विनिमय तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया, अब साहचर की तरफ चलते देखते हैं साहचर है या नहीं है, ठीक है। तो साहचर जैसे आपको पता है साहचर के लिए क्या रूल होता है, ए स्टार ब्रैकेट है बी स्टार सी, ठीक है, बराबर में क्या होता है, बराबर में ध्यान दीजिएगा, बराबर में अगर मान निकालेंगे तो क्या होता है ए स्टार बी फिर स्टार सी। तो इसी रूप में आपको वैल्यू को निकालना है, तो ठीक है हम पहले किस रूप में निकालेंगे, ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। तो इसका निगमन करेंगे, देखिए यहां पर क्या है स्टार, स्टार होने का मतलब आपको क्या करना है, पहले आप ब्रैकेट वाले को सॉल्व करिए, ठीक है। तो ब्रैकेट वाले को सॉल्व करने का मतलब, ब्रैकेट वाले को जब सॉल्व करेंगे तो इसमें भी क्यूब इसमें भी क्यूब लग जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बी क्यूब और प्लस भी लगेगा, क्या हो जाएगा सी क्यूब। देखिए जो वैल्यू शुरू में ही परिभाषित किया गया, क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें जो परिभाषित किया गया है ए स्टार बी को ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में परिभाषित किया गया है। तो देखिए जब यहाँ पे हम बी स्टार और सी को सॉल्व करेंगे तो स्टार जैसे ही हटाएंगे तो पहले वाले पर भी क्यूब लगेगा अर्थात बी क्यूब हो जाएगा, दूसरे वाले पद पर भी क्यूब लगेगा तो सी क्यूब हो जाएगा, और स्टार को हटाने के बीच में दोनों पदों के बीच में प्लस लगा देना होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से भी स्टार हटाएंगे तो स्टार हटेगा तो दोनों पदों पर क्यूब लग जाएगा और ए पर भी क्यूब लग जाएगा, बीच में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस लगेगा, फिर स्टार हटा है तो पूरे का क्यूब लगेगा क्योंकि ये पूरा एक साथ है। तो यहाँ पे क्या करोगे, बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल क्यूब कर दोगे। होल क्यूब क्यों होगा, क्योंकि जो ये स्टार हटा है ये पहले वाले पद पर भी क्यूब देके जाएगा, दूसरे वाले पदों पर भी क्यूब देके जाएगा और साथ में बीच में प्लस देके जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू। अब इसी के साथ हम निकालेंगे दोस्तों ए स्टार बी स्टार सी, ये क्या है दोस्तों, साहचर्य नियम है, ठीक है। तो साहचर्य नियम इसी तरीके से आपका सॉल्व किया जाता है।
अब पहले हम ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट वाले को ही सॉल्व करेंगे। तो ए स्टार बी की वैल्यू यहाँ पे पहले ही दी गई है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। अब फिर इसको ब्रैकेट में ही रखो, फिर स्टार यहाँ पे सी दिया है तो आप सी लिखो। आगे सॉल्व करोगे तो इस स्टार को हटाओगे, स्टार जैसे ही लगे हटेगा, यहाँ तो प्लस देके जाएगा और साथ में इस पर भी होल क्यूब देके जाएगा, इस पर भी क्यूब देके जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहाँ पर क्या है, सी, तो इसमें सी पर भी क्यूब लग जाएगा लेकिन साथ में क्या देके जाएगा, प्लस। अब प्लस देके जाएगा तो लेकिन अभी इस पर क्यूब नहीं लगा है तो इस पर भी हम क्या कर देंगे, होल क्यूब कर देंगे। अब आपने तो कर दिया होल क्यूब, अब ध्यान दीजिए इन दोनों का जो मान है साहचर्य में बराबर होना चाहिए। अगर साहचर्य में इन दोनों का जो मान आपने निकाला है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का मान बराबर आया तो साहचर्य है, बराबर नहीं आया तो साहचर्य नहीं है। तो देखते हैं मान बराबर आया है कि नहीं आया। देखिये ए स्टार, फिर ब्रैकेट में बी स्टार सी है, और फिर बराबर में आप देखेंगे तो ए स्टार बी फिर स्टार सी। तो इसका जो मान आपने निकाला है ए स्टार बी स्टार सी का मान जो आया है वो आया है ए क्यूब फिर प्लस ब्रैकेट में बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल क्यूब आया, ठीक है। और इसका जो मान आया है ए स्टार बी ऑफ स्टार सी का वो आया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब प्लस सी क्यूब। अब वैल्यूओं को आप मिलाइए, देखिए बराबर मान आया है, यहाँ पर ए क्यूब है लेकिन यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब है, और यहाँ पे बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल क्यूब है, यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब है, तो मान तो बराबर है नहीं, नॉट इक्वल टू हो रहा है। अतः हम लिख सकते हैं जो संक्रिया है, अतः संक्रिया कैसी है, अतः जो संक्रिया है साहचर्य नहीं है, ठीक है, साहचर्य नहीं। अगर दोनों का मान बराबर आता, ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी का इनका मान बराबर आता तो हम क्या कहते हैं, साहचर्य है। अब देखिए पहले अपने क्रम विनिमय निकाला तो क्रम विनिमय है, साहचर्य निकाला तो साहचर्य नहीं है। तब ऑप्शन पे आते हैं, देखते हैं किसमें साहचर्य है, क्रम विनिमय है साहचर्य नहीं है, तो इसमें साहचर्य है तथा क्रम विनिमय दोनों है, तो दोनों तो है नहीं, पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जा रहा है। क्यों रॉन्ग हो जा रहा है, क्योंकि क्रम विनिमय है लेकिन साहचर्य नहीं है। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, क्रम विनिमय है किंतु साहचर्य नहीं है, जी हाँ दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो संक्रिया है क्रम विनिमय है मैंने सॉल्व किया तो क्या आया, है, किंतु साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर आपका बी अब राइट हो जाएगा। देखिए इसमें बोला साहचर्य है किंतु क्रम विनिमय नहीं है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कैसे राइट होगा मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका और अपने नोटबुक में लिख लो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और अपने नोटबुक में भी लिख लिया है। चलिए अब दोस्तों हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रखा है, मान लीजिए कि f such that r tend to r है, जहां पर f of x बराबर दिया है 10x plus 7 द्वारा परिभाषित फलन है, एक ऐसा फलन g such that r tend to r ज्ञात कीजिए। आपको एक फलन ज्ञात करना है वो भी g y के रूप में, ठीक है, जिसके लिए ये क्या हो, फलन g of f equal to f of z equal to 1 r हो, ठीक है, इस तरीके के रूप में आपको परिभाषित को फलन करना है। अब कैसे इस फलन को परिभाषित किया जाएगा, ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि f such that r tend to r यहाँ पे दिया है तो किस रूप में दिया, fx दिया है कितना, 10x plus 7। अब हमें fx दिया है तो gy खोजना है, gy कैसे खोजेंगे, अगर हम मान ले यहाँ पे माना क्या y बराबर, जो fx दिया है इसको y बराबर मान ले क्या, 10x plus 7। अब यहां से आप निकालिए x निकालेंगे तो सर्वत सात को पंचांतर करेंगे, अर्थात 10x बराबर सात को पंचांतर करेंगे तो y माइनस सात हो जाएगा, x निकालेंगे तो y माइनस सात बटे कितना जाएगा, 10, और जो x निकला है किसका वैल्यू निकला है, gy, और gy y माइनस कितना हो जाएगा, सात, y माइनस सात बटे 10। अब ये फलन जो है देखते हैं परिभाषित है या नहीं, तो सबसे पहले हम निकालेंगे g ऑफ f, ठीक है, दोनों बराबर है, g ऑफ f बराबर f ऑफ g बराबर 1 r,
तो यहाँ पर इस तरीके से जब भी व्युत्क्रम फलन निकालना होता है, उल्टा फलन बताना होता है, एफ दिया हो जी पूछे, जी दिया हो एफ पूछे, तो इसी तरीके से हमेशा आपको मान लेना होता है, ठीक है। अब जी ऑफ एफ निकालेंगे तो जी ऑफ हटेगा, मझला ब्रैकेट लगेगा, क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। तो जी एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे कितना, 10x+7। तो जी अब ये क्या हो गया, जी एक्स हो गया। तो ध्यान दीजिएगा ये जी वाई है, यानी कहने का मतलब ये वाई की वैल्यू, पूरी वैल्यू कितनी किसकी है, ये वाई की है। तो कहने का मतलब इसको चेंज करेंगे, जहां पे वाई है वहां पे आप क्या रखेंगे, 10x+7 माइनस है 7 लिखिए, उसके बाद कितना है 10 है तो 10 रखिए। अब देखिए ऊपर 7 प्लस में माइनस में कट जाएगा, बचेगा सिर्फ कितना, 10x/10, 10 से 10 भी कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे सिर्फ x। ये किसका मान निकला है, जी ऑफ एफ का। ये किसका मान निकला है दोस्तों, जी ऑफ एफ का। अब इसी प्रकार आप मान निकालेंगे एफ ऑफ जी का। चलिए हम निकाल लेते हैं एफ ऑफ जी का। तो एफ ऑफ जी का क्या करेंगे, मान कैसे निकालेंगे, एफ को जेव का तेव रखेंगे, ओ को हटाएंगे, मझला ब्रैकेट आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी एक्स। या एक्स कैसे आता है पता ना, एक हम परिभाषित फलन अपने से एक्स को लेकर चलते हैं। अब जी एक्स, तो जी एक्स की वैल्यू हम चेक करेंगे, तो जी एक्स की वैल्यू है क्या, देखिये जी वाई के रूप में, तो ये जी वाई का वैल्यू कितना है, वाई माइनस 7/10 हो जाएगा। तो लिखे एफ और यहां पर हो जाएगा, जहां पे एक्स है वहां पे आप लिखेंगे, यहाँ वाई लेके चलिए, दूसरे में फलन आप वाई लेके चल सकते हो, ठीक है। तो वाई माइनस 7/10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको करना क्या है, एफ एक्स, तो एफ एक्स के रूप में चेंज हो गया। ध्यान दीजिए जहां पर एक्स है, देखिए 10x हो गया, एक्स साथ एक्स यहीं पे लगा है, लेकिन यहां पर क्या है, एक्स की जगह पर वाई माइनस 7/10 हो जाएगा। तो आप लिखोगे क्या, 10 फिर x, x की जगह पर y माइनस 7/10 करो, फिर प्लस क्या करोगे आप, 7 करोगे, ठीक है। अब देखा जाए तो यहां पर 10 से 10 कट जाएगा, अगर ब्रैकेट को हटाएंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, ब्रैकेट को हटाकर अगर यहाँ पर मिनटू का, यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस है तो अभी मत काटिए, रहने दीजिए, नहीं तो समझ में आपको भी नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो अब हम काटेंगे यहाँ पे 10 को, ऐसे ही रखो, इंटू लगाओ, ब्रैकेट को हटाओगे तो 1y माइनस 7/10 और प्लस यहाँ पे क्या करोगे 7, y 10 से 10 कटेगा, बचेगा क्या y माइनस 7+7, तो प्लस माइनस कट जाएगा, आ जाएगा क्या y। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर आपने जब व्युत्क्रम निकाला, क्या निकाला पहले आप, आपने g ऑफ f निकाला तो आया क्या, आई एक्स के रूप में आया, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे g ऑफ f बराबर f ऑफ g बराबर 1 r, तो यहाँ पे रिलेशन था तो r लग रहा था, लेकिन हमने x के रूप में निकाला तो इसलिए x लगाएंगे। उसके बाद आपने निकाला f ऑफ g, ये किस में आया, i y के रूप में आया, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आया, y आया। तो यहाँ पे जब 1 हमने अपने से ले रखा था, यहाँ पे i r हो गया, तो r रिलेशन में था, तो इस तरीके से कुछ वैल्यू आ गया। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए ये हो गया, अब इसका ये व्युत्क्रम नहीं बन रहा है, इसका उल्टा हो रहा है। उल्टा होने का मतलब देखिए इसी से ये फलन संतुष्ट हो जा रहा है, एक बार x आ रहा है एक बार y आ रहा है, किससे आ रहा है, जी वाई बराबर वाई माइनस 7/10 से ये फलन संतुष्ट हो जा रहा है। अर्थात आप लिख सकते हैं जी सच दैट वाई टेन टू x से ये क्या हो रहा है, फलन संतुष्ट हो जा रहा है, इसका ये व्युत्क्रमण है उल्टा है। अतः आप लिख सकते हैं क्या, जी वाई बराबर ये वाई माइनस 7/10 होगा, यही इसका क्या हो जाएगा, जी सच दैट आर टेन टू आर ज्ञात करने के लिए बोला था ना, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जा रहा है, क्योंकि अगला जो फलन हम संतुष्ट कर रहे थे इस तरीके से निकल कर आ गया आपके सामने। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप और अपने नोटबुक में लिख लो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 इसमें बोल रखा है, मान लीजिए कि f सच दैट w टेन टू w f ऑफ n इक्वल टू n माइनस 1, यदि n क्या हो, विषम है, तथा f ऑफ n बराबर n प्लस 1 यदि क्या हो, n सम है, द्वारा परिभाषित है, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, यानी जो यह क्या है, आपको प्रूव्ड करना है कि जो प्रतिलोम है उल्टा है। f का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए, f का आपको क्या करना है, प्रतिलोम ज्ञात कर आपको दिखाना होगा। फिर यहाँ w समस्त पूर्णांकों का समुच्चय है, यह भी आपको बताना है। ध्यान दीजिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्या,
फल। चलिए दिया क्या है उसको लिख लीजिए। देखिए एफ एन बराबर एन माइनस वन यदि एन विषम है और एफ एन बराबर एन प्लस वन यदि सम है। तो कहने का मतलब अगर एन के रूप में जो वैल्यू दी गई है एन माइनस वन कब दिया है जब यदि क्या हो एन विषम हो, क्या हो एन विषम हो या विषम है ठीक है। और एन प्लस वन के रूप में कब दिया है यदि एन सम है। चल इस तरीके से अगर वैल्यू दिया है तो करना क्या है सबसे पहले आपको यहां पर एकाएकी और आच्छादक पता कर लेना होगा, एक दूसरे के एकाएकी आच्छादक होंगे या नहीं होंगे तो वहीं से हमें क्या मिल जाएगा एफ प्रतिलोम ज्ञात करने कर लेंगे यहाँ पर ठीक है। उसके बाद हम इसको व्युत्क्रम सिद्ध कर लेंगे है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं एन माइनस वन यदि एन क्या हो विषम हो। तो यहां पर आप लिखिए माना एन क्या हो विषम हो और एन वन विषम हो और एन टू सम ठीक है। देखिए एन वन को हम यहां पे मान लेते हैं विषम और एन टू को मानते हैं सम। तो जब एक बार हम विषम मानेंगे तो विषम के लिए माइनस लग रहा है और सम के लिए प्लस लग रहा है अर्थात एन माइनस वन जब विषम हो रहा है तो एन वन अब एन था तो यहां पे एन लिया गया लेकिन एन वन ले रहे थे एन वन माइनस वन हो जाएगा फिर बराबर अब एन टू एन टू करेंगे तो क्या हो जाएगा एन टू प्लस वन है तो वन लिखेंगे ठीक है। ये आप एकाएकी निकालने के लिए क्या करते हो मानों को बराबर करते हो जैसे आप लिखोगे एफ एन वन बराबर एफ एन टू ठीक है। चलिए अब एन वन को इस तरफ एन वन एन टू को एक तरफ कर लीजिए एन वन माइनस क्या होगा एन टू और उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा अर्थात वन प्लस वन तो एन वन माइनस एन टू बराबर वन वन कितना हो जाएगा टू। किसी भी विषम संख्या से सम संख्या घटाएंगे तो सदैव दो नहीं आएगा और कभी भी दो नहीं आएगा। किस मान लीजिए तीन विषम संख्या है अब इसमें से हम सम संख्या दो घटाते हैं तो कितना आ रहा है एक आ रहा है और एक कैसा संख्या है विषम संख्या है तो सम नहीं आएगा और यहाँ पे क्या है दो सम आ रहा है यानी विषम में से सम घटाने पर क्योंकि एन वन हमारा विषम है और एन टू क्या है सम है तो विषम से सम घटाने पर यहाँ पे सम आ रहा है तो अर्थात यह संभव नहीं है। क्या होगा दोस्तों यह संभव नहीं है क्या एक विषम और एक सम लेने पर। अब हम दोनों को सम ले लेते हैं यहाँ पे मान लेते हैं माना एन वन सम तथा सम है था एन टू भी सम है ठीक है। अब दोनों को सम मानेंगे तो सम के लिए क्या रूल है एन प्लस वन लेके चलना है अर्थात एफ एन वन बराबर एफ एन टू जब लेके चलेंगे तो प्लस में लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा एन एन टू प्लस एक बार वन लेना है तो एन वन प्लस वन बराबर एन टू प्लस वन। अब देखिए वन दोनों तरफ है तो कट जाएगा क्योंकि प्लस में है तो आ जाएगा एन वन बराबर एन टू। जब आप बराबर दोनों फलन आते हैं तो वो कैसा फलन होता है एकाएकी हो जाता है अतः यह क्या हो जाएगा एकाएकी है ठीक है। अब ये एकाएकी निकल गया है आच्छादक भी चेक कर लीजिए। देखिए आच्छादक चेक करने के लिए हम प्रतिबिंबित करेंगे जैसे मान लेते हैं सहप्रांत सहप्रांत अगर 2n प्लस वन होगा ध्यान दीजिएगा सहप्रांत अगर 2n प्लस वन होगा तो प्रांत कितना होना चाहिए 2n होना चाहिए तभी एक दूसरे को ये क्या करेंगे प्रतिबिंबित करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। जैसे विषम में क्या विषम वाले में क्या होना चाहिए एक जुड़ा होना चाहिए और सम वाले में नहीं जुड़ा होना चाहिए तो एक दूसरे को प्रतिबिंबित करेंगे तो यह क्या हो जाएगा आच्छादक भी हो जाएगा आच्छादक भी है ठीक है। देखिए अगर 2n है देखिए यहाँ पे क्या है 2n प्लस वन तो विषम में एक जोड़ देंगे तो सम में चेंज हो जाएगा और 2n तो सम में पहले से ही है तो ये क्या हो जाएगा आच्छादक भी हो जाएगा। तो यहाँ पे एकाएकी भी हो गया और आच्छादक भी हो गया। अब हमें बताना है f का व्युत्क्रमणीय प्रतिलोम तो f का व्युत्क्रमणीय प्रतिलोम बताने के लिए क्या करना होगा दोस्तों जैसे ध्यान दीजिए यहां पर आपने निकाला एन माइनस वन यही प्रोसेस आप वहां पर भी करेंगे जब आप एफ एन या एफ एक्स कह लीजिए ठीक है। अगर आप इसी प्रकार एफ वाई निकालोगे तो वाई निकालोगे तो यदि एन विषम है तो वहां पे आप क्या करोगे वहां पर भी सेम यही प्रोसेस होगा वाई एफ एक्स लीजिए यहां पे वाई ले लीजिए तो क्या होगा एन माइनस वन यदि एन विषम है और एन प्लस वन यदि एन सम है
तो दोनों एक बार सम विषम लेंगे तो फिर इसी तरीके से प्रोसेस होगा, सॉल्व होगा। तो कहने का मतलब जो एक्स होगा वाई का प्रतिलोम होगा। तो ये आप लिख सकते हैं एफ इनवर्स, ठीक है, एफ इनवर्स जो होगा वो एफ के क्या होगा, बराबर होगा। यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको उत्तर हो जाएगा। इसी को आप लिख दीजिए क्या, प्रूव्ड, अर्थात जो फलन है उसका प्रतिलोम आपस में बराबर ही आएगा। जब आप फिर एक बार सम विषम लेके सॉल्व करोगे तो वही प्रोसेस आपको फिर से करना होगा, ठीक है। तो जो आपका एक्स लेकर आया वैल्यू वही वाई पर भी आएगा। इसी तरीके से आप लिख दीजिए कि एफ इनवर्स वन बराबर एफ क्या हो जाएगा आपका, एक दूसरे के व्युत्क्रमणीय हो जाएंगे, बराबर भी रहेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अपने नोटबुक में लिख भी लिया होगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 इसमें बोल रखा है यदि f सच दैट r टेंड टू r, जहां f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 द्वारा परिभाषित है, तो f ऑफ x ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, f ऑफ x, ठीक है। तो पहले आप हल लिखिए और जो दिया है उसको आप लिख लीजिए। तो दिया क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, ध्यान दीजिए, f ऑफ x, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको बताया कि एफ एक्स की वैल्यू जब भी दिया रहे, जब मान पूछा जाए तो हमेशा उसका मान आप रख दिया करें, ठीक है। तो चलिए यहां पर उसके मान को हम रखकर सॉल्व करते हैं। एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह पर आप कितना रखोगे, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू दिया है, ठीक है, तो कितना रखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 रखोगे, ठीक है। फिर भी एक्स एफ एक्स के रूप में फिर चेंज है, क्योंकि अभी एफ लगा हुआ है, तो एफ लगा हुआ है तो बाकी वाला वैल्यू जो होगा वो एक्स का होगा, हो जाएगा, ठीक है। तो अभी एफ एक्स के रूप में है तो फिर चेंज करोगे, तो एफ एक्स के रूप में चेंज करोगे तो जहां पर एक्स है इतना पूरा वैल्यू आपको रखना होगा, ठीक है। तो देखिये यहां पर अब एफ एक्स हो गया, एफ एक्स का वैल्यू पर आपने रखा, फिर एफ एक्स के रूप में चेंज हो रहा है, तो इतना वैल्यू आपको क्या करना है, जहां पर एक्स है उसकी जगह पर रखते चलना है। तो पहले क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू पूरा रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसका क्या कर दोगे आप, स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 3, अब एक्स 3 एक्स है, तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और फिर कितना है, प्लस 2 है, तो प्लस 2 लिख दीजिए। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अगर फार्मूला बनाना चाहो तो आसानी से बन जाएगा। कैसे, अगर यहाँ पे जो माइनस है यहाँ पे हम प्लस कर दें और ब्रैकेट में इसको माइनस कर दें, तो ए स्क्वायर प्लस, देखिए ए बी सी बन रहा है, तीन पद हो जा रहे हैं, तो यहाँ पर अब देखिए प्लस माइनस करोगे तो फिर माइनस ही आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ए बी सी, आपको फार्मूला याद होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, यही फार्मूला होता है। तो अगर यहाँ पे प्लस कर दिया जाए, यहाँ पे माइनस था, प्लस कर दिया जाए तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया, माइनस को ब्रैकेट में कर दिया, प्लस माइनस करोगे तो फिर माइनस ही आएगा, फिर वही आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यही करना है आपको। अब देखिये ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करोगे तो क्या करना होगा, पहले आपको ए स्क्वायर लिखना होगा, ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब ए की जगह पर एक्स स्क्वायर लिखोगे, फिर इसका स्क्वायर कर दोगे, फिर प्लस लिखोगे बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू कितना है, माइनस 3x का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, फार्मूला क्या हो जा रहा है, सी का स्क्वायर, सी का मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर क्या होगा 2ab, तो 2 लिखो इंटू ए, ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू बी का वैल्यू माइनस 3x, ठीक है, फिर प्लस प्लस लिखोगे क्या 2bc, तो यहां पर लिखो 2 फिर इंटू बी, बी की वैल्यू माइनस 3x फिर इंटू सी की वैल्यू 2 है, ठीक, 2 लिखो, फिर प्लस, फिर लिखोगे 2ca, तो यहां पे आप लिखोगे 2 इंटू सी, सी की वैल्यू 2 इंटू ए, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर लिख दो, ठीक है। अब बाकी जो बचा इसका अंदर गुणा कर दो, माइनस के साथ माइनस है 3, तो 3 का एक्स स्क्वायर में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर, और फिर माइनस माइनस से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 तरीका कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस
तीन दूनी छह हो जाएगा और प्लस दो लास्ट में, तो आप प्लस दो लास्ट में कर दीजिएगा। तो कुछ इस प्रकार से प्रोसेस यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर फोर हो जाएगा, क्योंकि घात का घात में गुणा हो जाता है, और प्लस माइनस तीन जब भी स्क्वायर होता है ब्रैकेट में माइनस होता है तो माइनस हट जाता है, स्क्वायर में हमेशा माइनस हट जाता है, तो बचा थ्री एक्स, और थ्री का वर्ग करेंगे तो नाइन हो जाएगा, एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस दो का वर्ग चार प्लस। अब इसका गुणा करो, देखो यहां से यहां तक गुणा होगा क्योंकि इसके बीच में सब गुणा ही है, बाद में प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तीन दूनी छह हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखो। अब यहां पे ध्यान दो, यहां से यहां तक गुणा किया जाएगा, यहां पे माइनस है यहां पे प्लस है, चिन्ह को ध्यान देते हुए सॉल्व कीजिएगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस दो तिया छह और छह दूनी बारह, बारह बगल में एक्स है तो एक्स लिख दो, ठीक है। पहले आप चर लिखो फिर अचर लिखो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक गुणा करेंगे दो दूनी चार, तो प्लस चार एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दो, फिर यहां पे कितना है माइनस थ्री एक्स स्क्वायर है तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर लिखो, फिर प्लस कितना है नौ एक्स, अब छह में से दो घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस चार, क्योंकि जिसके साथ बड़ा होता है माइनस, बड़े वाले अंक के साथ माइनस रहेगा तो वह माइनस से लग जाएगा चिन्ह, ठीक है। अब क्या करना है ध्यान दीजिए, अब घातों पे चलेंगे, इतना तो आपने सॉल्व कर दिया, अब सबसे बड़ा घात एक्स घात चार है, एक्स घात चार इसमें कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना, तो इसको ज्यों का त्यों लिख दो। उसके बाद नौ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर और कहीं दिख रहा है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो यहां दोनों पर है, देखिए नौ एक्स स्क्वायर, नौ एक्स स्क्वायर यहां पर है, चार प्लस वाले, पहले प्लस वाले पे जाइए, तो नौ चार कितना हो जाएगा तेरह, ठीक है। और ये नौ चार कितना हो गया, इन दोनों को मिलाकर तेरह एक्स स्क्वायर हो गया, और ये दोनों माइनस में है तो छह और तीन नौ हो जाएगा, तेरह में से नौ घटाएंगे तो बचेगा प्लस चार एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए इन पूरे एक्स स्क्वायर को एक साथ जोड़ेंगे तो देखिए छह और तीन क्या हो जाएगा नौ, माइनस माइनस वाला जुटेगा तो कितना हो जाएगा नौ, और ये नौ नौ से नौ कट जाएगा। ध्यान दीजिए जैसे देखिए ये नौ एक्स स्क्वायर है और ये छह एक्स स्क्वायर है, तीन एक्स स्क्वायर, तो इसको जोड़ोगे छह तीन नौ एक्स स्क्वायर माइनस में और ये नौ एक्स स्क्वायर प्लस में, तो कट गया बचा कितना चार एक्स स्क्वायर, इसको आप लिख दो, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, यहाँ पे प्लस चार है, यहाँ पे माइनस चार है, ये भी कट जाएगा, अब बच क्या रहा है माइनस बारह एक्स, और यहाँ बच रहा है नौ एक्स, तो बारह एक्स में से नौ एक्स घट जाए क्योंकि माइनस में ये प्लस में है, तो बचेगा कितना तीन नौ तीन बारह, तो एक्स के पावर फोर प्लस फोर एक्स का स्क्वायर टू, फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, ठीक है। यही आंसर बच रहा है, यही आप आंसर कर दीजिए और कुछ नहीं होगा इसके आगे, ठीक है। और इस फार्मूला नहीं आते तो फार्मूले को भी आप साथ में लिख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 को। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 इसमें बोला है सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट आर टेन टू ब्रैकेट में एक्स बिलोंग टू आर सच दैट माइनस वन लेस देन एक्स लेस देन वन, जहां एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स अपान वन प्लस मार्ट में एक्स एक्स बिलोंग टू आर द्वारा परिभाषित फलन एकाएकी तथा आच्छादक है। आपको बताना है एकाएकी तथा आच्छादक है, एकाएकी और आच्छादक कब होगा जब प्रतिबिंब एक दूसरे को क्या हो प्रचित्रण करते हो, तो वहां पर ये एकाएकी तथा आच्छादक निकलेगा। अब वो कैसे पता करेंगे चलिए हम चेक कराते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर जो एक्स को लेना है एक बार आपको बड़ा में लेना है एक बार छोटा में लेना है, ठीक है। तो पहले एफ एक्स बराबर जो दिया उसको लिख लीजिए, दिया है एक्स अपान वन प्लस मार्ड में एक्स, अगर मार्ड हटाएंगे तब भी यहाँ पे एक्स ही आएगा, तो मान लीजिए इस रूप में ये वैल्यू आपको दिया गया, ठीक है। एक बार हम एक्स को प्लस में लेते हैं एक बार माइनस में लेते हैं, यहां पर जो दिया गया है, कहने का मतलब एक बार हम क्या करते हैं एक्स को बड़ा लेते हैं धनात्मक लेते हैं, ठीक है। तो धनात्मक जब लेंगे तो क्या निकलेगा यहां पे, तो एफ एक्स यहां बराबर करिए एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, एक एकी के लिए यही रूल चलता है। तो एक बार हम धनात्मक लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वन अपान वन प्लस एक्स वन बराबर एक्स टू लेंगे तो एक्स टू अपान वन प्लस क्या हो जाएगा एक्स टू। अब इसका क्रॉस गुणा कर लीजिए, तो इसका यहां पर करेंगे तो एक्स वन का वन में करेंगे तो क्या आएगा एक्स वन, और प्लस एक्स वन का एक्स टू में करेंगे तो एक्स वन इंटू एक्स टू हो जाएगा बराबर। अब इसका इसी में करेंगे तो वन का एक्स टू में करेंगे तो एक्स टू आएगा, एक्स वन का एक्स टू में करेंगे तो क्या आएगा प्लस एक्स वन
एक्स टू, ठीक है। तो देखा जाए एक्स वन एक्स टू इस तरफ भी, एक्स वन एक्स टू इस तरफ है, दोनों पक्ष में है और दोनों प्लस में, तो कट जाएगा, बराबर में आ जाए एक्स वन बराबर एक्स टू, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एकाकी हो जाएगा, एकाकी हो जाएगा। तो आच्छादक भी बताना है, तो आच्छादक बताने के लिए क्या करना, भी आपने धनात्मक लिया ना, एक बार आप ऋणात्मक में लेके चलिए, ऋणात्मक में लेके चलेंगे तो क्या होगा, जहां पे प्लस था यहाँ पे देखिए ये प्लस है, तब इसको क्या ले लेंगे हम, ऋण में ले लेंगे, ठीक है। तो ऋण में लेने का मतलब वन माइनस एक्स ले लेंगे, तो फिर करेंगे एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, अब क्या लिखोगे एक्स टू अपान, अब माइनस में लेके चलोगे तो वन ही लगाओगे, एक्स वन अपान वन माइनस एक्स वन बराबर, यहां पे लिखोगे क्या आएगा, एक्स टू अपान वन माइनस एक्स टू, सेम प्रक्रिया यहां भी करो, गुणा करो तो क्या आएगा एक्स वन, और इसका करोगे एक्स वन क्या आएगा एक्स टू बराबर, इसका करोगे तो क्या आएगा वन, एक्स टू का वन में करोगे तो क्या आएगा एक्स टू आएगा, और एक्स वन का एक्स टू में करोगे तो माइनस एक्स वन एक्स टू आएगा, इस तरह भी कट जाएगा, बचेगा क्या एक्स वन बराबर एक्स टू। चाहे आप धनात्मक ले लो चाहे आप ऋणात्मक ले लो, ये फलन जो होगा एकाएकी होगा, कैसा है एकाएकी है, ठीक है, क्योंकि मान बराबर में आ रहा है, चाहे आप धन में ले लो चाहे आप ऋण में ले लो। अब इसी प्रकार से आप y बराबर मान लो, इसको y बराबर मान लीजिए यहाँ पे, अब हमें आच्छादक चेक करना है तो प्रतिबिंबित करना होगा, एक बार x से लेके चले और y को लेके चलेंगे, तो y बराबर आप मानेंगे x अपान वन प्लस x, इसका यहाँ पे गुणा करो, तो y का एक में करोगे तो y और x में करोगे तो क्या हो जाएगा वाई एक्स, और बराबर में यक्स, यक्स को इस तरफ कर लो, पंचांतर करोगे, ठीक है, वाई उस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो वाई एक्स माइनस एक्स, वाई उस तरफ जाएगा तो माइनस वाई, इसमें से एक्स कॉमन करोगे तो वाई माइनस वन आएगा और बराबर इधर माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे एक्स बराबर निकालोगे तो पंचांतर होगा, तो माइनस वाई अपान वाई माइनस वन आएगा, यहां से माइनस हटाइए तो क्या करोगे, नीचे से माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस में, जो प्लस में है वो क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है, यहां से माइनस मैंने कॉमन किया है, अब माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बराबर आ जाएगा वाई अपान वन माइनस वाई, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल गया एक्स बराबर वाई अपान वन माइनस वाई, तो ये ध्यान दीजिए जो एक्स की वैल्यू होगी, अब एक बार धनात्मक लिए हैं, एक बार आप ऋणात्मक भी लेकर निकाल सकते हैं, चलिए निकाल देते हैं, वाई बराबर आप क्या लोगे एक्स अपान वन माइनस एक्स ले लोगे, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू लेनी है, एक बार एक्स छोटा लेना है एक बार बड़ा लेना है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू का छोटा बड़ा कब होगा, जब एक बार हम प्लस और माइनस लेके चलेंगे, तो अब करना क्या, इसका भी गुणा करिए, तो वाई एक का वाई यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा माइनस एक्स वाई और बराबर एक्स, या इसको उस तरह पंचांतर कर दो, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस में, तो एक्स प्लस एक्स वाई हो जाएगा, इसमें से एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स कॉमन लोगे तो बचेगा वन प्लस वाई, यहाँ से एक्स निकालोगे तो बटे में जाएगा वाई अपान वन प्लस वाई, तो यक्ष का यहाँ देखिए मान एक बार माइनस में एक बार क्या है प्लस में आ रहा है, चेंज कर रहे हैं, ठीक है, जब हम माइनस ले रहे हैं तो प्लस हो रहा है, प्लस ले रहे हैं तो माइनस हो रहा है, तो कहने का मतलब हम जो यक्ष के अवयव ले रहे हैं वो वाई से प्रतिबिंबित होंगे, क्यों होंगे, जब इसका क्या होगा, हम वाई अपान यक्ष जो आएगा उसको हम वाई अपान वन माइनस वाई कर देंगे, तो बार मान बराबर होगा, तो दूसरे को प्रतिबिंबित करेंगे ही करेंगे, तो अतः हम लिख सकते हैं क्या आच्छादक है, ठीक है, क्या है फलन जो है आच्छादक है, एकाएकी भी है आच्छादक भी है, यही आपको बताना था सिद्ध करना था, तो आप लिख दीजिए एकाएकी तथा आच्छादक दोनों है, आप यहां पे स्क्रीनशॉट लेकर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आई होप दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 इसमें बोला है सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यू द्वारा प्रदत्त फलन क्या है एकाएकी है। एकाएकी के लिए आपको पता है कि हम यहाँ पे एक्स वन एक्स टू मान के सॉल्व करेंगे, बराबर आ जाएगा तो है ही, तो चलिए हल करते हैं, एफ एक्स बराबर दिया है एक्स क्यू, अगर हम इसको एक्स वन देख ले लें एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, ठीक है, तो क्या करना होगा यहाँ पर रखना होगा एक्स वन का क्यूब बराबर एक्स टू का क्यूब, क्यूब्स क्यूब दोनों पक्षों में कट जाएगा तो एक्स वन बराबर क्या आ जाएगा एक्स टू, दोनों फलन आपस में बराबर आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा एकाएकी है, ठीक है, यही प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया, ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे आप लिख दिया करिए प्रूव्ड, ज्यादा कुछ करना नहीं, इसको थोड़ा फास्ट हम समझा देते हैं यहाँ पे। अब देखिये 26 नंबर क्वेश्चन,
दो फलनों एफ सच दैट एन टेन टू जेड तथा जी जी सच दैट जेड टेन टू जेड के उदाहरण दीजिए जो इस प्रकार हो कि जी ऑफ एफ एकाकी है परंतु जी एकाकी नहीं है। तो अगर हम एफ एक्स बराबर यहाँ पे मान ले माइनस एक्स और जी एक्स बराबर मान ले मार्ड में एक्स, ठीक है, एक बार प्लस ले लेते हैं, ठीक है। अब हमको बताना है एक बार एकाकी है और एक बार एकाकी नहीं है। तो एकाकी के लिए क्या करना होगा, एफ एक्स बराबर मैंने मान लिया क्या एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ बराबर निकालेंगे तो ऑफ हटाएंगे तो क्या हो जाएगा एफ एक्स आएगा और एफ एक्स की वैल्यू यहां पे कितना है माइनस एक्स, ठीक है। तो जी क्या हो जाए ब्रैकेट में माइनस एक्स और जी एक्स किसमें चल जा रहा है मार्ड एक्स में, तो मार्ड से एक्स को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा एक्स ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स आ गया, ठीक है। अब एक्स आ गया तो अब एक बार आप क्या निकाल लो जी निकालोगे, तो जो एक्स हो रहा है मान ये कैसा दर्शा रहा है एकाकी को ही दर्शा रहा है, ठीक है। एक बार आपने क्या लिया माइनस एक्स, अब जी आप निकालेंगे तो जी एक्स जब करेंगे ध्यान दीजिएगा जी एक्स, तो जी एक्स तो हमें बताना जी एकाकी नहीं है, तो जी एकाकी नहीं है तो एक्स की जगह पे यहाँ पे जी बताना है। तो एक बार आपने जी ऑफ एफ लिया, अब आप ले लो एफ ऑफ जी ले लो, एफ ऑफ जी लोगे तो क्या हो जाएगा एफ मजला ब्रैकेट यहाँ पे क्या हो जाएगा जी एक्स हो जाएगा, जी एक्स रखो कितना हो जाएगा मार्ड में एक्स अर्थात मार्ड में एक्स रखोगे। अब एफ एक्स हो गया, एफ एक्स रखोगे कितना आएगा माइनस एक्स आएगा, ठीक है। तो ये देखिए अब माइनस में आ गया ये प्लस में आ गया, आपस में बराबर नहीं है लेकिन यहाँ पे जो मान निकलेगा ये एकाकी होगा और ये जो निकलेगा जी का मान एकाकी नहीं होगा क्योंकि नकारात्मक आया, ठीक है। प्रतिबिंब जो बनेंगे उसका नकारात्मक नहीं बनेगा क्योंकि ये सेम दिख रहा है, जेड टेन टू जेड दिया है, ये आपस में क्या है फलन बराबर है लेकिन ये क्या है अलग दिया था एन टेन टू जेड दिया था इसलिए एकाकी होगा ये नहीं होगा, यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। तो आप लिखिए जी ऑफ एफ क्या है एकाकी है और जी एकाकी नहीं है, यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा है वीडियो, वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए दोस्तों। इस चैनल पर ऐसे ही आपको पढ़ाया जाता है बेहतर ढंग से और आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जाएगा, एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका छोड़ा नहीं जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में शेष बचे हुए सवालों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।